बिल्कुल 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 आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर मनवीर बता दें दर्शकों को, जयपुर के बस्सी से इस वक्त की बड़ी खबर। रीट परीक्षा में सेंटर पर अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला है। परीक्षार्थियों का हंगामे के बाद कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन और पुलिस को सूचित कर दिया है। बस्सी SDM शिवचरण शर्मा मौके पर पहुंच चुके हैं। ACP सुरेश साखला भी मौके पर पहुंच चुके हैं। परीक्षार्थियों ने धांधली और पेपर लेट देने का आरोप लगाया। बस्सी थाना अधिकारी सोहन लाल मेघवाल ने बताया कि कॉलेज की बिल्डिंग में 3 मंजिल के होने के चलते ऊपर वाली मंजिल में पेपर पहुंचाने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगा, जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और वहां पर फिलहाल उसको शांत करने की कोशिश है। खुद SDM मौके पर पहुंचे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित यादव जुड़े हैं। अमित, बताइए इस वक्त का क्या अपडेट है वहां पर? देखिए कमरुद्दीन, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी वहां पे कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन बात करें कि पहले की जो पेपर आउट होने की बात थी वो बिल्कुल आग की तरह फैली थी, जिसकी सूचना पाके जो प्रशासन है पुलिस है वहां पे मौके पहुंची। यहां तक कि जो पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जो विद्यार्थी जो वहां पे पहुंचे उनका कहना था कि करीब 10 से 15 मिनट का पेपर लेट पहुंचाया, तो इससे कहीं उनको शंका हुई कि कहीं पेपर इनसे निकाल लिया गया है और इसको आउट किया गया है, जिसको लेकर जो वहां पे जो अध्यापक जिसकी ड्यूटी लगी थी उनको उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानने के बाद में पुलिस को और प्रशासन को सूचना दी। वहां पे अब समझाइश कर दी गई है और पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया था उसको लेकर काफी जो विद्यार्थी नाराज भी हैं, लेकिन अभी मौके स्थिति की बात करें तो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। जी बिल्कुल अमित, बड़ी बात यह है कि परीक्षार्थियों ने खुद यहां पर धांधली और पेपर लेट देने का आरोप लगाया, इसी क्या वजह? कारण ये बात सामने आई, हमारी जो SHO है सोन सिंह उनसे बात हुई, उनका कहना है कि 3 मंजिला जो बिल्डिंग है जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो 3री मंजिल पहुंचाने के लिए समय लग गया उसके कारण से थोड़ा सा लेट हुआ है और कोई वजह नहीं बता रहा। हालांकि ये विषय जांच का है, हो सकता है जांच में होने के बाद में कोई कारण सामने आ सकता है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है न किसी कारण से सामने आए कि कहीं पेपर आउट होने की कोई बात सामने हो। चलिए बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर छात्रों ने परीक्षार्थियों ने अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा किया है और हमारे